आज हम फिर से नरूटो देखने वाले हैं। नरूटो की ट्रेनिंग काफी ज्यादा तगड़ी चल रही है एंड उसका सेंसे काफी ज्यादा ठरकी मिला हुआ है उसको, मतलब लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। एंड इसमें भी मेरे को जहाँ तक लगता है वही देखने को मिलेगा कि लड़कियों के पीछे पड़ा है, लेकिन उसके साथ नरूटो को काफी अच्छा ट्रेन कर सकता है वो, क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा लेजेंडरी निंजा एक तरह का। तो वो देखते हैं कैसा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लेटेस्ट मजे के लिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बोलो जाके सपोर्ट करो चैनल को, एंड आप भी करो एंड कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। बाकी बढ़ते हैं वीडियो और यहाँ पर झील इस बार मैं एक पहाड़ जितना बड़ा मेंढक बुलाऊंगा। देखते हैं इस बार, देखते क्या निकालता है ये। तो कर ली तुमने कोशिश, प्रकट हो गया तुम्हारा पहाड़ जैसा मेंढक। फिर से टैडपोल निकला फिर से। एक मिनट दीजिए, ये शायद बड़ा हो जाएगा। देखो अगर तुम ये सीरियसली नहीं करना चाहते तो भूल जाओ। कह रहा है बड़ा हो जाएगा। तो सीरियस हूँ, लेकिन आप ही उन लड़कियों को ताकते रहते हैं, समझे क्या? टंकी करना बंद करो और अपने चक्र पर काम करो। अभी लड़कियों को ताकते रहते हैं। लड़कियां भी बड़ी जबरदस्त बना रखी है यार इसमें नरूटो में, मजा आ जाता है देख के। और ये क्या, ये मे बी सकुरा का घर, वो बालकनी में। ओ सकुरा ही है, काफी टाइम बाद ये देखने को मिली है। बट ये क्या सोच में पड़ी है, बाल काफी ज्यादा सैड है, सासुके के लिए सैड है ये। चल बर्तन दो। सो नहीं रही थी मैं, बिजी हूँ। अच्छा तो बताओ कब फ्री होगी? अभी नहीं। जा बर्तन दो, झाड़ू पोछा कर। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा वो कैसे हो गया। ओ यार। अरे हाँ, मुझे उसके लिए फ्लावर्स ले जाने चाहिए। चलो देखते हैं। अरे नहीं। ओ सकुरा, कितना दुख की बात है कि तुम्हारे कितने बुरे दिन आ गए कि तुम खुद के लिए फ्लावर्स लेने आई। ऐसा नहीं है, मैं तो जो भी हो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि काउंटर पर तुम मिलोगी। काम जल्दी निपटाना पड़ेगा। फ्लावर्स को पॉट के साथ हॉस्पिटल ले जाना वैसा ही है जैसा उसके कभी ना ठीक होने की उम्मीद करना। फ्लावर्स कट करके ले जाओगे तो अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अरे यार उसको पता नहीं होगा वो सास देने जा रही है। और हे मॉम, मैं कुछ देर बाहर जा रही हूँ। रुको, तुम क्या कर रही हो? बस भी करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पहले सासके से हॉस्पिटल में मिल लोगी तो तुम बहुत गलत हो। अब ये भी फ्लावर लेके हर बार बीच में घुस जाती है। मैं तो उसके लिए एक रेड रोज ले जाऊंगी जो है फ्लावर ऑफ लव। फ्लावर ऑफ लव, कितनी बेकार चॉइस है तुम्हारी। मैं तो उसके लिए एक डैफोडिल ले जाऊंगी। दोनों ने अपने बाल काट लिए। लीटर और ले आओ। हाँ? एक मोटा खा तो नहीं इसमें? इसके 10 प्लेट और। मोटा खा रहा है भाई। आज तुम्हें खाते हुए देखकर मेरी भूख मर जाती है, थोड़ा आराम से खाओ, बाकी लोग भी हैं। सर आपने अभी ऑर्डर किया था। अरे तुम ले आए। ये पूरा का पूरा मेरा है शिकमारू, ये लेने की सोचना भी नहीं। तुमसे पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। और उसके पैसे में खत्म हो गए। इनो सकुरा शिकामारू, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे खाना खाने की जगह फाइनल्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। या तो खाना नहीं तो ट्रेनिंग, हर रोज पूरा दिन आसुमा सेंसे एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं देते। और यहाँ पे नरूटो अभी तक अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, एंड अभी तक टैडपोल, ये तो हद हो गई, तुम में कोई टैलेंट नहीं है। देखिए ये
ये वाला पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा है। क्या फायदा, ये तब भी एक टैडपोल है। बड़ा है छोटा है, टैडपोल तो टैडपोल है वो भी। यार यहाँ पर मतलब सही से क्यों नहीं दिखाते भैंस की आंख, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तो सही से दिखा करो यार, मन लगता है थोड़ा देखने में। प्लीज ध्यान रखना, वो अभी कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। आप उससे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकती हैं, उससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे सकती। ओके, ठीक है। सासके, मैं अंदर आ जाऊं? देखो तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई हैं। सासुके है ही नहीं। सासके? कहाँ गया सासुके? सासके? अलमारी में देखे। उसके सारे कपड़े भी गायब। गया वो, सासुके गया। वो तो अभी चलने की हालत में भी नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर! काकासी ये कहाँ चढ़ रहा है भाई, वो भी एक हाथ से क्या? ये तगड़ा भाई, ये मुझे पहले के मुकाबले इतना मुश्किल क्यों लगा? एक हाथ से चढ़ने की कोशिश ना करने का नतीजा है, मुझे फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ओए नहीं भाई, इतना ऊंचा है और एक ही हाथ से, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। ओपन। क्या ओपन? बे ओपन हुआ क्या पहले ये तो बताओ। ओए सासुके यहाँ पर आ गया। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गए। उसका फ्लावर ले जाना बेकार हो गया। मी, मैं अंदर आ जाऊं? देखो तुमसे मिलने तुम्हारी दोस्त आई हैं। ये भी ना भाग गया वो। नहीं नहीं, ली भी गायब है। अरे यार ये भी भाग गया। वो कहाँ गया? सोसाइट पे। वो देखो। हाँ? वो भागा नहीं, प्रैक्टिस कर रहा है, हाथ पैर टूटे हुए फिर भी पुशअप मार रहा है, पुशअप। विल पावर भाई, एक हाथ से मार रहा है, एक हाथ तो गया इसका। 200 पुशअप्स, यही डील थी, अगर फिनिश नहीं कर पाए तो 100 लेग स्क्वाट्स करने होंगे। चलो अपने आप को बहुत ज्यादा ये मतलब आगे पुश करता है, बहुत ज्यादा। उठ जा, दो और रह रहे हैं, चल चल। 199 नहीं, एक और, एक और नहीं हो पाएगा। आई थिंक बस एक और बाकी है, बस एक और। ओहो ली, अरे नहीं, क्यों क्यों इनो? ये लड़के हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं, हमेशा खुद को चोट पहुंचाते हैं। लड़के क्योंकि विल पावर ज्यादा होती है लड़कियों से उसमें। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। हाँ सॉरी, शाम हो चुकी है एंड इसकी ट्रेनिंग खत्म हुई। अब देखो वो लड़कियां तो यहाँ वापस खेलने आने से रही, तो क्यों ना हम यहाँ से चले। हाँ नारुतो। अरे पर आपको मुझे ट्रेन करना था, कम ऑन प्लीज, एक बार और। ओके मैं थक गया हूँ और भूख भी लगी है, अब बस करो। यार ये कैसे ट्रेन करेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है तुम्हें, पता नहीं, देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ लटक मटक रहा हूँ। अरे लगता है इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। ओके रुकिए, मैं जानता हूँ आपको क्या चाहिए। क्यूजुत्सु। ये बस यही बना के इसको पटाता रहता है यार। क्या बस इतना ही, थोड़ी देर और कर लो ना। मैं वो जुत्सु करना अच्छे से जानता हूँ, समझ गए, मुझे काम तो समनिंग जुत्सु पर करना है। ठीक है ठीक है, इसको वैसे ही पटाता रहता है, पट गया ये। कोशिश कर लो। ठीक है अभी दिखाता हूँ समनिंग जुत्सु, मैंने कर दिखाया। कर दिया? आखिर मैं तुम पर टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहा हूँ। क्या हुआ, आपको दिख नहीं रहा क्या? इस पर दो टांगे आ गई, टेडपोल थोड़ा बड़ा हो गया। देखा देखा, इस वाले के पैर हैं। बढ़िया है, अब इसे दो हाथ और एक दिमाग दे दो ताकि मैं इसे ही ट्रेन कर लूं। नेगेटिव क्यों हो रहे हो,
मानना पड़ेगा ना कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। दो बार एक पैर दे दो, दिमाग दे दो, उसे ही ट्रेन कर लूंगा। यार करो नारुतो की ट्रेनिंग ओपी चल रही है भाई, मजा आ रहा है भाई ऐसे ही देखने में। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फिर से ये लड़की और ये बूढ़ा रिचार्ज क्या कर रहा है पता नहीं इनको देख के। एंड नारुतो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, यार वो ठर की बूढ़ा करवा पाएगा इसकी ट्रेनिंग एक महीने बाद है। इस बार क्या बना, इस बार काम बन जाए। गुड प्रोग्रेस बे, बड़ा हो गया इस बार। और लेकिन उसकी पूंछ है ओए, ज्यादा भी बड़ा नहीं हुआ लेकिन हाँ हो गया। मेंढक टैडपोल अलग अलग होते हैं भाई। छिछोरे बाबा हमें भी भाई छिछोरा कर दे रहे हैं और कुछ नहीं। इसको क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू नारुतो? ये एक बार फिर से बेहोश हो गया। अच्छा बेहोश हो गया, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। ओ अब उठो, अपनी आंखें खोलो। हे, आपने मुझ पर पानी क्यों फेंका? वो इसलिए ताकि तुम्हारे छोटे से दिमाग में एक सुनामी आ जाए। मैं तो कर रहा हूँ, खुद की बात करो। तुम 3 हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहे हो और अभी तक बस एक ही लेवल पर अटके हो। हर बार कमरे निकालने के बजाय मुझे कोई ट्रिक क्यों नहीं सिखाते? हाँ ट्रिक, कोई ट्रिक? उसको ट्रिक चाहिए। वो तो नहीं सिखा सकता। क्या आप मुझे नहीं सिखा सकते? तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। मेरी जिंदगी? नहीं तो क्या, ऐसे मजाक समझ रखा है? क्या तुम तैयार हो इसे करने के लिए? खतरनाक ट्रेनिंग यार, एक हफ्ता बचा है बस। % देने में यकीन रखता हूँ। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? रामेन नूडल्स। ऑल राइट, आज तो जमकर खाऊंगा, मजा ही आ गया। हर रोज ट्रेनिंग ऐसी ही होनी चाहिए। बढ़िया, जम के खाओ, क्या पता तुम आखिरी बार खा रहे हो। कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम बस पेट भर के खाओ। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, खाओ जैसे कल कभी आने ही नहीं वाला। पता नहीं कुछ क्यों खतरनाक करवाने जा रहा है उससे, इसीलिए वो खिला पिला के ले जा रहा है। दस पंद्रह कटोरे तो खा ही लेगा। और बोल लाइए अभी लो। एक और ये लीजिए, इस बार थोड़ा तीखा। हाँ अभी देता हूँ। आज तो सच में मजा ही आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया छिछोरे बाबा। वो भाग गए। थैंक यू भाई। दिल भी खाली और पॉकेट भी खाली हो गया इसका, पॉकेट मेंढक वाला पॉकेट। तुम्हारा पेट भर गया। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, खाने का सारा पैसा आपको देना था। बेवकूफ लड़के, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा? आपको ही मुझे खिलाना था क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा नारुतो, क्या कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है? मैंने पूछा क्या कोई लड़की है जिसकी तुमसे बहुत अच्छी दोस्ती हो? मुझे पता नहीं, शायद वो वैसे है तो सकते वो मुझे अच्छी लगती है। तो कौन है वो? कोई भी नहीं, बस सकुरा। ठीक है तो उससे ही मिल लेते हैं, क्योंकि तुम उसे देने वाले हो जादू की झप्पी। जादू की झप्पी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हाँ मेरा मतलब नारुतो की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो फिर चलो, पर अगर मैंने उसे हक किया तो सकुरा मुझे मारेगी। नहीं, ये भी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसे करने के लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पर वो मार मार के मेरा भरता भी बना सकती है। बहुत मारती यार वो इसको। पर फिर भी अगर समनिंग जुत्सु सीखने के लिए मुझे ये करना पड़ता है तो मैं करूँगा। पर सकुरा मुझे नहीं, पर शायद वो मुझे। अबे हटा सावधानी। यार एक ड्रामेबाज ठीक था, अब दो दो ड्रामेबाज है। ओके यहाँ पे सकुरा के सामने आ गया। बात ये है कि मैं, देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो भूल जाओ, मैं तुम्हें वो नहीं देने वाली।
अरे नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे तो असल में। अरे कैसे बताऊं, अगर मैंने कह दिया कि ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का हिस्सा है तो ये मेरा भरता बना देगी। अगर कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। बस यही यही सही मौका है सकुरा को हक करने का। तुम खुद को समझ नहीं बहुत तेज गुस्सा मारा यार उसके ची भाई। दिल के अरमासों में बह गए। दिल के अरमासों में बह गए। क्या पंच था, दोस्ती में ऐसा ही होता है। ओ भाई पिटवा दिया इसको, इसके पैसे भी खर्च करा दिए, इसको पिटवा भी दिया। मेंढक को समन कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, सच में इसमें कोई शक नहीं। अब क्या करवाने ले जा रहा है? आपको यकीन है ना? क्या कोई और ऐसी चीज है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे? हाँ? कुछ भी। क्या आप क्या कहना? पेट में घुसा। बट उसने ऐसा किया क्यों? अगर नाइन टेल के चक्र को बाहर लाने के लिए खतरा या इमोशन जरूरी है तो इसे उस सब से गुजरना पड़ेगा जब तक कि ये उस चक्र को खुद कंट्रोल नहीं करना सीख लेता। ओ नरगी कांड देखना गोल गोल। लेकिन यार उसको अच्छा मतलब नाइन टेल की पावर निकालने के लिए वो ऐसा कर रहा है एंड उसको बेहोश कर दिया कहीं ले जाके, मतलब टांग वांग ना दे उसको। लेट्स सी क्या करेगा वो। फेंक दिया भाई उसको। लेकिन लेके कहां पे आया है? हम कहां पर हैं बताइए मुझे। खड़े हो जाओ। क्या? खड़े हो जाओ। क्या हो रहा है? तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। हाँ? पर मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं है। उठो। इस पल से तुम्हारा सामना एक बड़े खतरे से होगा। खतरा? कैसा? सही सुना, उस खतरे से बचने के लिए तुम्हें बहुत सारा चक्र रिलीज करना होगा। एक बार तुमने वो कर लिया उसके बाद तुम वो रेड चक्र रिलीज करना सीख जाओगे। अगर खत्म नहीं होना चाहते तो ऐसा करना पड़ेगा अभी। ओए उसने टच किया और ये कहां जाके गिर रहा है भाई? ओ सी ठीक है नरूटो, अब देखते हैं तुम्हें मिली वो ताकत एक भाई उसको खाई में फेंक दिया। और ये खाई काफी ज्यादा गहरी है एंड उसमें पता नहीं क्या चोट चोट से निकले हुए हैं। तुम्हें बचने नहीं वाला। पकड़ ले पकड़ ले। नहीं ये नामुमकिन है नरूटो, तुम्हें इस बात को समझना होगा। उन पत्थरों पर बहुत फिसलन है और जिस रफ्तार से तुम गिर रहे हो और जो थोड़ा सा चक्र तुम्हारे पास है उससे तुम खुद को नहीं बचा सकते। नरूटो तुम्हें समझना होगा, तुम अब सिर्फ नाइन टेल फॉक्स के चक्र को ही इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पैसे ही बचेगा तब ना यूज करेगा नाइन टेल फॉक्स के चक्र को। अगर मैं ऐसे ही गिरता रहा तो मैं सच में नहीं बच पाऊंगा। और यहाँ से हमको देखने को मिल सकती है नरूटो का चक्र नाइन टेल फॉक्स वाला। ये क्या सीन है भाई? पानी टपक रहा है, कोई घर है, क्या है? आई डोंट नो। क्या ये नरूटो है? नरूटो है ये? कहां पे आ गया वैसे? ये कौन है भाई? आवाज बड़ी खतरनाक है। जा कहां रहा है ये भाई? ये तो बिल्कुल उस रेड चक्र जैसा फील हो रहा है। ओ रेड चक्र को तो नहीं ये यूज करने वाला है? हो भी सकता है यहाँ पर कई फॉक्स तो नहीं है, नाइट टेल फॉक्स। ओ ही नहीं, सीट पे क्या चल रहा है? ये सीन बहुत बड़ा गेट है, बहुत ज्यादा बड़ा। सील सील भाई ये है फॉक्स। ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा है। ये तो तेरे अंदर ही है। मेरी बात सुनो बच्चे।
मैं भी खत्म करके कच्चा चबा जाता है, पर इस गेट ने मुझे यहाँ रोक रखा है। काश मैं इस सीलिंग स्पेल को तोड़ पाता। तुम तो नाइन टेल फॉक्स हो। अब समझा, वो लाल चक्र असल में इसका है। तुम यहाँ क्यों आए हो बेवकूफ लड़के? क्या चाहिए तुम्हें? या तुम यहाँ अपनी कुर्बानी देने आए हो? ये इसके अंदर इसको कैद तो कर रखा है, इसको भी मार सकता है वैसे ये नाइन टेल्ड। ठीक है, कान खोलकर सुन लो तुम। तुम मेरे अंदर रह रहे हो, तुमने अपना किराया नहीं दिया और उसके बदले में मैं तुम्हारा चक्र लूंगा। आई बात समझ में? मेरे अंदर रह रहे हो, किराया नहीं दिया, रेड चक्र यूज करूंगा तेरा। खैर, मैं जाकर भी तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। अगर तुम खत्म हुए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़के। इसको चक्र मिल गया शायद। यहाँ तक आने के इनाम के तौर पर मैंने तुम्हें अपना चक्र दिया। उसको चक्र मिल गया नरूटो को। और यहाँ पर समनिंग जुसो क्या समन किया है बट इसने? बहुत अच्छे नरूटो। ये मैं कहाँ आ गया? मैंडो कितना बड़ा। सीड बॉय कितना बड़ा मेंढक, मतलब डेडपूल से इतना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मेंढक। एंड ये वाला मेंढक मैंने सेम मेंढक स्टार्टिंग में देखा था जब वो नाइन टेल चक्र को, मतलब फॉक्स को वो मार रहा था फोर्थ होगा आके, एंड जब अब जाके देखने को मिला एंड बहुत ज्यादा बड़ा मेंढक है भाई। ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आया, हंसी मजाक, इमोशन एंड उसके बाद मतलब काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। वैसे देखा जाए तो डायलॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं, नरूटो की ट्रेनिंग भी मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। एंड ये जो उकागे है ना भाई, नहीं सॉरी, ये जो था लेजेंडरी निंजा जो भी है, इसका नाम मेरे को याद नहीं रहा। तो भाई 3 वीक में तो नरूटो ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने 1 दिन में सिखा दिया एंड उसने काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी दिलाई, एंड जो कि काफ़ी देखने में मज़ा आता है देखने में, एंड लड़कियों को वो देखते हो तो हमको भी देखने को मिल ही जाता है। ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं, अच्छा लगता है वैसे। तो भाई ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मजा आया, एंड आगे हमको देखने को मिलेगा नरूटो की अब ये चक्र कैसे यूज़ करता है, एंड चुनिन एग्जाम में कैसे जीतता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला भाई देखने में। और अगर आपको भी मजे लेने तो कुछ नहीं करना, फ्री है, सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, बेल आइकन जरूर टैप करना, मतलब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके, तभी देख सकते हो टैप करके नोटिफिकेशन पे, तो अच्छा रहता है। एंड सपोर्ट करो चैनल को अपने एनिमे लवर के साथ, शेयर कर सकते हो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा, आप सपोर्ट करते हो अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो जो एनिमे देखता वगता है। तो बाकी बस इतना ही चाहिए, बाकी आगे मैं अपनी मेहनत और भी ज़्यादा करता हूँ और करता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।